कीजिए और सिर को पीछे कीजिए और कमर से ऊपर ऊपर के शरीर को खींचना है, पंजे को उठाना नहीं है। रिलैक्स, वापस आ जाइए। हावड़ के समीप के गांव वजलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर सोमवार की सुबह योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों ने भाग लिया। शिविर में बताया गया कि नियमित योग करने से रोग दूर भागते हैं। रिलैक्स, फिर हाथ आगे कीजिए, मुट्ठी बांधिए और इधर घुमाइए, हाथ बिल्कुल सीधे और मुट्ठियों को 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? नहीं सीधे, अब मुट्ठी बीचनी है, अंगूठे बाहर मुट्ठी के और मुट्ठी बीचिए। गांव वजीलपुर के वरिष्ठ किसान ज्ञानेंद्र त्यागी ने बताया कि योग शिविर का आयोजन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अगुवाई में किया गया। योग शिविर का उद्घाटन ACMO डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने फीता काट कर किया। वजीलपुर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी राधेश्याम यादव, ग्राम प्रधान और बच्चों ने अतिथियों का स्वागत किया। तो परेशानी है, ठीक है? नहीं, उसके लिए सर्वाइकल के लिए है। नंबर एक, ये जो योग आसन होते हैं, योग आसन, ये कोई वर्जिश नहीं है। ये किसके साथ किए जाते हैं? हमारे सांस के अनुसार, सांस की, इसलिए तो मैंने कहा ना शुरू में कि हमें सांस से करना है, सांस से किए जाते हैं और बहुत धीरे धीरे किए जाते हैं। एक बार और करेंगे, ऊपर हाथ रख के इंटरलॉक कीजिए। योग आचार्य विकास सैनी ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि योग और शाकाहारी भोजन के सहारे कैसे लंबा जीवन जिया जा सकता है। इस मौके पर ग्राम प्रधान राजू सैनी, ग्राम प्रधान रोहित कुमार, ANM लक्ष्मी देवी, आशाएं और आंगनवाड़ी उपस्थित रहीं। वापस आ जाएंगे, फिर एक बार रिलैक्स, पैरों को इस तरह से चलाना है। और इसमें सिर्फ जो सांस लेनी है, मैं नाक के द्वारा लेनी है। 1 2 3 करिए, कोशिश करिए, एक बार दो बार से ज्यादा नहीं, ठीक है? वापस रिलैक्स। अब हाथ ऐसे करिए, अब अपने घुटनों को हाथों से मिलाने की कोशिश कीजिए, कीजिए और सिर को पीछे कीजिए और कमर से ऊपर ऊपर के शरीर को खींचना है, पंजे को उठाना नहीं है। रिलैक्स, वापस आ जाइए।